नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी का अमित शाह पर वार, बोले यह कर्नाटक है, यहां आपकी राजनीति नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कपिल सिब्बल का बयान, बोले ना काले धन पर लगी लगाम, ना टैक्स चोरी हुई, कम नोटबंदी के बावजूद सारे दा फेल। अमृतसर के अजनाला सेक्टर में फिर साजिश नाकाम, बीएसएफ के अजनाला सेक्टर में ढेर किया पाकिस्तानी घुसपैठिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 31 दिसंबर की रात एक और शर्मसार करने वाली घटना, 10वीं की छात्रा से रेप के बाद हत्या। तकनीकी खराबी के बाद दिल्ली वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट, थाईलैंड के फुकेत के लिए भरी थी उड़ान। लद्दाख की संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, विशेष समिति का किया गठन। बजरंगबली की पूजा कर यूपी की तरफ बढ़े राहुल गांधी, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने दी शुभकामनाएं। हरियाणा की खापों ने दी सरकार को चेतावनी, मंत्री को बर्खास्त करें या आंदोलन का सामना करने की तैयारी करें। देश के एक भी जिले में कोरोना का येलो अलर्ट नहीं, 500 से ज्यादा जिलों में बीते हफ्ते कोई केस नहीं मिला। तमिलनाडु के कुड्डालोर में आपस में टकराई 5 गाड़ियां, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। जेपी नड्डा ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले उद्धव ने पीठ में छुरा फोका, उनकी सरकार लीडरशिप। बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, गेट और विंडो में आई दरार, पीएम ने 3 दिन पहले दिखाई थी हरी झंडी। राजस्थान समेत 6 राज्यों में 5 दिन कड़ाके की ठंड, एमपी में 48 घंटे में हो सकती है बारिश, बिहार पंजाब में कई उड़ानें रद्द। दिल्ली में एक्सीडेंट के वक्त लड़की अकेली नहीं थी, न्यू ईयर पार्टी के बाद स्कूटी पर दोनों साथ लौट रहे थे, हादसे के बाद दोस्त भाग गई। क्रूर था औरंगजेब, हिंदू विरोधी नहीं, अजीत पवार के बयान के बचाव में आए एनसीपी नेता जितेंद्र। जनवरी तक रुका मथुरा में ईदगाह का सर्वे, मुस्लिम पक्ष का कोर्ट में आवेदन, हमें सुना नहीं गया, हिंदू पक्ष करेगा कोर्ट कमीशन की मांग। आगरा में युवक की गोली मारकर हत्या, गांव में पुलिस तैनात, दोस्त पर हत्या का आरोप हिरासत में। न्यू ईयर पर होटल में लड़की से रेप, गाजियाबाद में दोस्त दूसरे कमरे में कर रहे थे शराब पार्टी, होटल कर्मी ने आकर रेप किया। दिव्यांग हत्याकांड में बेटी के कथित बॉयफ्रेंड की एंट्री, बेटी से शादी करना चाहता था, मना करने पर डाली अश्लील पोस्ट, जेल भी गया।
काशी की टेंट सिटी में की जाएगी गंगा आरती। अर्चकों के साथ टूरिस्ट अपने हाथ में कर सकेंगे विधि विधान से पूजा। यूपी में पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 19 फ्लाइट कैंसिल। कानपुर में 24 घंटे में 13 की अटैक से मौत। बारिश के भी आसार। क्रेडिट कार्ड अफसर बनकर ठगे लाखों। अलीगढ़ में पीड़ित को पूछा ओटीपी, फिर गायब किए रुपए। साइबर टीम ने रुपए कराए वापस। सितारा होटल ने नहीं लेने दिए पर्यटकों के सैंपल। आगरा में 3 होटल में रुके थे 90 टूरिस्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम करती रही इंतजार। रिश्वत लेने वाला लेखपाल निलंबित। कानूनों पर कार्रवाई के लिए डीएम को भेजा पत्र। तहसीलदार को सौंपी मामले की जांच। इटावा के इकदिल गांव में झोपड़ी में लगी आग। दर्जनों मवेशी जलकर हुए खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। गांवों में बनेगी विश्व हिंदू परिषद की सक्रिय समिति। देश के लाखों गांवों में समिति बनाने की है तैयारी। वाराणसी में अब बैलून और वोट फेस्टिवल होगा। 13 जनवरी को आएंगे सीएम योगी। पीएम मोदी वर्चुअली कनेक्ट होंगे। बांके बिहारी में बनेगा कॉरिडोर। बांके बिहारी मंदिर के लिए जल्द शुरू होगी कॉरिडोर की कवायद। संपत्तियों का होगा आकलन। हनी ट्रैप गिरोह के 2 शातिर गिरफ्तार। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अफसर की अश्लील वीडियो बनाकर वसूले थे 29 लाख। विधुना में युवक ने खुद की झोपड़ी में लगाई आग। पिता पर जमीन बेचने का बनाया दबाव। विरोध करने पर पीटा। 50,000 का सामान राख। बरेली में मजार प्रकरण में अब 5 को सुनवाई। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को भेजा समन। मजार को हटाने का लगाया था नोटिस। फतेहपुर में सांप के काटने से अधेड़ की मौत। लकड़ी निकालते समय सांप ने काटा। इलाज ना मिलने के कारण हुई मौत। मुजफ्फरनगर में ठंड बढ़ी। 5.2 डिग्री पर पहुंचा तापमान। सुबह के समय सड़कों पर छाया रहा कोहरा। शीतलहर ने परेशानियां बढ़ाई। अमेठी के जिला अस्पताल में लापरवाही। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा कंबल। जिला अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीज। जालौन में ट्रैक्टर ने इको गाड़ी में मारी टक्कर। चपेट में आने से पुलिस और पीआरडी जवान घायल। चालक ट्रैक्टर लेकर भागा। नौ दिन ब्रेक के बाद यूपी में भारत जोड़ो यात्रा। 403 में से सिर्फ 11 विधानसभा से गुजरेगी। राम जन्मभूमि के पुजारी ने दिया राहुल को आशीर्वाद। सीतापुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। यात्रियों से भरी बस ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टकराई। 4 यात्री गंभीर रूप से घायल। चंदौली पुलिस के हाथे चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश। 2 जनपदों की पुलिस को थी तलाश। दर्ज है आधा दर्जन से अधिक मुकदमे। देवरिया में 8वीं तक के स्कूल 2 दिनों तक बंद। 3 और 4 को बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। डीएम ने दिया आदेश। लालगंज में बेटी से रेप का आरोपी पिता गिरफ्तार। 2 दिन पहले किया था दुष्कर्म। बड़े पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा।
अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की अचानक बिगड़ी तबीयत, प्रिंसिपल द्वारा दबाव बनाने का लगाया गंभीर आरोप। औरैया में महिला ने पुजारी की पिटाई की, महिला ने पुजारी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, पुजारी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप लूटने वाले दो लुटेरों को पुलिस ने किया ढेर, लुटेरों के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के गहने बरामद। कानपुर में अचानक चलती ऑटो में लगी आग, आग लगने से ऑटो चालक ने ऑटो से कूदकर बचाई जान। मेरठ में होटल में युवक ने की आत्महत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड ने किया बेहाल, आने वाले चार दिनों में ऐसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड में लिव इन पार्टनर की हैवानियत, प्रेमिका के बच्चों को हाथ बांध कर पीटा, फिर चाकू से काट दी उंगलियां। उत्तराखंड के 100 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट टीवी क्लास शुरू, करीब 17,000 विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। बारिश ना होने से उत्तराखंड का पहाड़ी जिला सूखे की चपेट में, 40% फसल प्रभावित, काश्तकार बेहाल। बेरोजगारों के समर्थन में नंगे पांव पद यात्रा करेंगे हरीश रावत, कहा भर्तियों के नाम पर ठगे जा रहे युवा। मसूरी में वीआईपी का रौब दिखाकर खुद लोगों ने जमकर की दबंगई, हूटर बजाने का विरोध करना व्यापारियों को पड़ा भारी। उत्तराखंड में कहीं हल्की धूप तो कहीं छाया कोहरा, ठिठुरन ने बढ़ाई परेशानी, हरिद्वार में येलो अलर्ट। उत्तराखंड में 1800 गांवों में रेगुलर पुलिस संभालेगी कानून व्यवस्था, अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने उठाया कदम। पतंजलि बेचेगी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के उत्पाद, उत्तराखंड में होगी शुरुआत। हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका, 5 जनवरी को होगी सुनवाई। उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले नोटबंदी मोदी सरकार का असरदार फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई मुहर। चौदह जनवरी को देश के पहले रनिंग ट्रैक का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह, प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से हुआ तैयार। रुद्रपुर में हाईवे पर दो बाइकों की आमने सामने से हुई टक्कर, चालकों की दर्दनाक मौत, दो हायर सेंटर रेफर। भर्ती रद्द होने से नाराज अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, सीएम आवास कुछ करने पहुंचे, पुलिस ने रोका। रेलवे की भूमि पर बसे 50,000 लोगों पर संकट, हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी को लिखा खुला पत्र। दुनिया में कोरोना का खतरा, जंग से घिरे यूक्रेन में हर हफ्ते संक्रमण से 70 मौतें, ब्रिटेन में इलाज के लिए 99 घंटे इंतजार।
ईरान ने लेखक मेहदी बहमन को दी मौत की सजा, जासूसी का लगाया आरोप, इसराइल के टीवी चैनल पर सरकार की आलोचना की थी। चांद पर कब्जा ना जमा ले चीन, रोक सकता है अन्य देशों की लैंडिंग, नासा को सता रही चिंता। यूरोप में बुरा हाल, जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, नए साल में दर्ज किए गए सबसे गर्म दिन। दक्षिण कोरिया के साथ साझा परमाणु अभ्यास से बाइडेन का इनकार, किम ने शीर्ष सेना अधिकारी को हटाया। पाक को मिला धमकी का जवाब, तालिबान के मंत्री ने 1971 में पाकिस्तानी फौज के सरेंडर की फोटो दिखाई, कहा अंजाम याद रखना। कनाडा में पार्ट टाइम जॉब करने वाले भारतीयों पर हमले, डेढ़ महीने में 3 हत्याएं, देर रात बाहर रहने से हिंसा का जोखिम बढ़ा। बुलेट ट्रेन चलाएंगी सऊदी महिलाएं, 32 महिलाओं का पहला बैच ट्रेनिंग के बाद तैयार, मक्का मदीना के बीच पहली परीक्षा। हवा में टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 4 की मौत, 1 लैंडिंग, दूसरा टेक ऑफ कर रहा था, ऑस्ट्रेलियाई थीम पार्क में हुआ हादसा। टीटीपी के आतंकियों को घेर कर मारेगी पाकिस्तान मिलिट्री, अफगानिस्तान तालिबान से बढ़ेगी दुश्मनी। CES 2023 की फिजिकल फॉर्मेट में वापसी, पहले वायरलेस OLED टीवी से लेकर स्मार्ट रिंग होंगे पेश। ऑनलाइन गेम खेलने के लिए करानी होगी KYC, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए ड्राफ्ट तैयार। डाबर ने किया बादशाह का अधिग्रहण, 51% स्टेक के साथ डाबर की सब्सिडियरी कंपनी बनी बादशाह मसाला। तेईस में मंदी में होगी एक तिहाई दुनिया, IMF के हेड ने दी चेतावनी, का चीन, अमेरिका और यूरोप बनेंगे वजह। ₹55,000 के पार निकला सोना, चांदी में भी 68,500 के पार पहुंची, आगे और बढ़ सकती है कीमतें। एक अप्रैल से बंद हो जाएंगी 16 कारें, होंडा की 5, महिंद्रा की 3, हुंडई और स्कोडा की 2-2 कारें होंगी डिस्कंटिन्यू। ₹47 से स्मार्टफोन्स पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप, एप्पल सैमसंग जैसी कंपनियों के पुराने फोन्स पर व्हाट्सएप ने सपोर्ट किया बंद। ₹2022 में बिकी हर दूसरी कार SUV, बीते साल बिकी 37.9 लाख कारें, 4 साल पहले 2018 में बिकी थी 33.8 लाख। जोमैटो को एक और बड़ा झटका, कंपनी के को फाउंडर और CTO गुंजन पाटीदार ने किया रिजाइन। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी, भारत में बिटकॉइन और इथर समेत अन्य की कीमत दर्ज की बढ़ी बढ़ोतरी, बिटकॉइन में भी उछाल। टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोना पर कैंसर का डबल अटैक, गले और ब्रेस्ट कैंसर का पता चला, बोली बीमारी से लड़ने के लिए तैयार। राजस्थान रॉयल्स के चेयरमैन बोले जोधपुर में हो क्रिकेट विश्व कप, कहा स्टेडियम में IPL मैच के लिए BCCI RCA की सहमति जरूरी।
सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी सिंधु, फोर्ब्स की सूची में 25 में से 12वां स्थान पर। जयदेव उनादकट ने रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ रचा इतिहास, मैच के पहले ही ओवर में ली हैट्रिक। श्रीलंका के लिए घातक साबित हो सकते हैं युजवेंद्र चहल, अब तक 10 मैचों में झटके 20 विकेट। पिच को लेकर फिर उड़ा पीसीबी का मजाक, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मिचेल मैक्स लेन खन ने कहा क्या बेहतरीन सड़क है। सांतोस क्लब स्टेडियम में रखा गया पेले का पार्थिव शरीर, दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़। डिफेंडिंग चैंपियन पीएसजी की मार्च के बाद पहली हार, दूसरे नंबर की टीम लेंस ने 3-1 से हराया। मजबूत शुरुआत के बाद बिखरे कीवी, कॉनवे का शतक, लैथम की 50, पहले दिन टीम का स्कोर 309 पर 6 विकेट। WIPL मीडिया राइट्स नीलामी में एक बार फिर बरसेंगे पैसे, 10 ने खरीदे टेंडर डॉक्यूमेंट, डिज्नी सोनी और बायकॉम जैसे दिग्गज मैदान में। उर्वशी रतौला की मां ने ऋषभ के लिए मांगी दुआ, यूजर्स बोले दामाद जी ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। केआरके का दावा पठान का नाम बदलेगा, बोले फिल्म पे नहीं रहेगी भगवा बिकनी और फिल्म रिलीज आगे बढ़ेगी। गांधी गोट से एक युद्ध का टीजर हुआ आउट, पिता राजकुमार संतोषी की फिल्म में डेब्यू करेंगी बेटी तनिषा, गणतंत्र दिवस पर होगी रिलीज। दुबई से न्यूयॉर्क मनाकर लौटे सिद्धार्थ की आरा, मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, अब शुरू करेंगे शादी की तैयारियां। नहीं रही बंगाली सिंगर सुमित्रा सेन, 79 साल की उम्र में हुआ निधन, सीएम ममता बनर्जी ने जताया दुख। लड़की के रोल में नजर आना चाहते हैं सिकंदर खेर, मां किरण खेर की कैंसर जर्नी पर बोले समय के हिसाब से इंसान मजबूत हो जाता है। अजय देवगन की मैदान में 70 से 80 विदेशी कलाकार, सभी की होती थी प्लेयर्स जैसी ट्रेनिंग, लॉकडाउन में फंसे तो मेकर्स ने 3 महीने होटल में रखा। किलोमीटर साइकिल चलाकर सलमान से मिलने पहुंचा फैन, 5 दिन सर्दी में लगातार चलाई साइकिल, भाईजान ने की मुलाकात। तारा सुतारिया से अलग हुए आदर जैन, आपसी सहमति से हुआ ब्रेकअप, 4 साल तक एक दूसरे को किया डेट। विवेक अग्निहोत्री को जान से मारने की मिली धमकी, शाहरुख के फैन ने लिखा भेजा उड़ा दूंगा, विवेक बोले बादशाह आप सही थे। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।